2 मार्च से प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही है, जिसमें हाई स्कूल और इंटर स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तमाम बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही परीक्षा का कोई भी दबाव न लेने की नसीहत भी बच्चों को दी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती, ऐसे में बच्चे मानसिक दबाव न लें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर नेगेटिव चीज का कोई इनके मन पे असर ना पड़े, इस नाते बच्चों से थोड़ा संवाद करने की मैंने कोशिश की है और उनको हमने कहा कि बेटा कोई भी एग्जाम जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं होता, अभी तो आपके एग्जाम प्रारंभ हो गए हैं और जब तक आप किसी मुकाम को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको जीवन में कई एग्जामों का सामना करना पड़ेगा, कई परिस्थितियों का, कई कॉम्पिटिशन का आपको सामना करना पड़ेगा और जीवन में एक ही एग्जाम पास करना या सफल होना या विफल होना यह जीवन का मापदंड नहीं है।